once fertile lands. Till weather waged war on man, the seas rose, the sun scorched the earth, and the people fled. Some remained behind. I have burned my tomorrow, and I stand inside today. हेलो मेरी जान, और आप हैं मेरी आन मान। तो कैसे हो यारो? आज मेरी आवाज में एक अलग ही जोश दिख रहा होगा। क्यों? सामने देख सकते हो, जोश की बात। ये तो बाइक्स ना हो या कार्स ना हो और उनमें डर्ट फीलिंग ना हो तो यार कैसे मजा आता है ब्रोस। क्योंकि यहाँ पर मैक्स के आज आपने लेके आया एकदम बढ़िया गेम। एंड वन थिंग अबाउट दैट गेम, दिस गेम इज बेस्ड ऑन कार्स, व्हीकल्स, डर्ट, क्रैश, मड, सबके ऊपर बेस्ड है। जहां तक बात करूं इसके ग्राफिक्स की, तो देख लो यार दिक्कत क्या है। क्या दिक्कत है ग्राफिक्स में, खुद ही देख लो ना। दूर से दिखा देता हूँ कैमरा व्यू को, ये देख लो ना ग्राफिक्स। क्या दिक्कत है ग्राफिक्स में, क्या दिक्कत है इस ग्राफिक्स में? क्या चाहिए आप लोगों को इससे ज्यादा? और 2 GB रैम के लिए, सही सुना आप, सिर्फ 2 GB रैम के लिए। इससे ज्यादा क्या बच्चे की जान लोगे? 2 GB रैम में इतनी सही गेम मिल रही है। और गेम का नाम बता देता हूँ, इट्स दी फ्यूल डेमो एडिशन। बिल्कुल सही सुना, ये डेमो एडिशन है, इट्स नॉट फुल एडिशन। फुल एडिशन भी मेरे पास है, बट अगर आपको इस वीडियो, आप लोगों का इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो आई एम डैम श्योर मैं फुल एडिशन पे, फुल 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 एडिशन पे एक पक्की वाली वीडियो बनाने वाला हूँ। सो गेम इस फ्रीकिंगली ऑसम। ग्राफिक्स आप देख सकते हो, अगर डेमो के इतने तगड़े हैं तो सोचो फुल के कैसे होंगे भाई साहब, फुल के कैसे ग्राफिक्स होंगे। सो या इट्स अ वेरी कूल गेम, और बेस्ड ऑन डर्ट बाइक्स, डर्ट कार्स, पूरी की पूरी इसी पर बेस्ड है ये गेम। और जहाँ तक बात करें अगर इस गेम के कंट्रोल्स की, इस गेम के पैनल की, इस गेम की हर चीज़ की, तो या दिस गेम इज अ बीस्ट। ये आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ये 2 GB रैम में शायद से इससे ज़्यादा बढ़िया और रियलिस्टिक गेम आपको नहीं मिलेगी। सो या इट्स द करियर टाइम। यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी रेस होने वाली है। सो एक काम करते हैं, जैसा कि सबको पता है आई एम नॉट अ लेजेंड इन रेसिंग गेम्स, बट रेसिंग गेम्स तुम्हारे भाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो या इट्स एक्सपर्ट लेवल व्हीकल। मैं अपना यहाँ पर मैं अपना ड्राइवर तक चेंज कर सकता हूँ गाइस, उसका हेड चेंज कर सकता हूँ। टाइप में आपके पास और भी हेड्स होंगे, बट इट्स नॉट अ फुल एडिशन, इट्स जस्ट अ डेमो एडिशन। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही है, और यहाँ पर चेस्ट, लेग्स, स्किन्स, यानी कि आप अपने बंदे को मस्कुलर टाइप भी बना सकते हैं। यहाँ पर व्हीकल है, उसकी लिवरी है, यानी कि उसके डिजाइन है, किस तरीके के आपको उसमें डिजाइन चाहिए, लाइक मुझे ग्रीन वाला। और ये पेंट शॉप भी है गाइस इसमें, यहाँ पर मुझे यही पेंट शॉप अच्छा लगा। तो स्टार्ट द रेस, यहाँ पर रेस एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आज सच में बहुत ही मजा आने वाला है, बिकॉज रेसिंग गेम आपके सामने लेके आऊं जिस मच ग्राफिक्स लेवल की तो क्या बताऊं। और गेम की खासियत की बात करेंगे, गेम के डिसएडवांटेज, और ये देखो यार एंट्री लेवल, देखो एंट्री का लेवल देखो। हेलो इंस्पेक्टर से आ रहा तुम्हारा भाई, इससे ज्यादा क्या लेवल लोगे तुम अपने भाई का? यहाँ पर तगड़ी वाली रेस होने वाली है, बहुत ही भयंकर वाली, जिसको कहते हैं हाँ फाड़ देंगे आज सबकी, आज दिखा देंगे या वी ऑल्सो डू सम रेसिंग स्किल्स बेबी, स्किल्स। ओके, यहाँ पर बहुत ही ऑसम ग्राफिक्स के साथ आगे बढ़ते हुए मिस्टर मैक्स केओस यहाँ पर लगाई जंप तगड़ी वाली, और सारे बाइकर्स आगे निकलते हुए, बट तुम्हारा भाई एक्सपर्ट है, निकल जाएगा। तो रेस करते करते इस गेम की कुछ बात कर लेते हैं।
ग्राफिक लेवल्स की और हर एक चीज की। सो ग्राफिक लेवल्स आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हो यार, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलता यार, इससे खतरनाक और क्या लोगे। मतलब 2GB रैम में आप इससे ज्यादा और क्या फ्रीकिंग ऑसम चीज ले सकते हो, बस मुझे इतना बता दो। मतलब इतने सही किस्म के ग्राफिक्स यार, इतने सही किस्म के ग्राफिक्स किसको मिलते हैं 2GB रैम में। डर्ट बाइक्स, रेसिंग गेम्स, ये मेरा बंदा स्टाइल मारते हुए, सरप्राइज, वो वाला बंदा कहाँ से आया भाई, ये तुम्हारे भाई के स्टंट्स, तुम ग्राफिक्स लेवल को एंजॉय करो यार। सच बताऊँ गेम बहुत ऑसम है, लाइक आपको ये इतनी आसानी से नहीं मिलती है नेट पे कि आपको फुल वर्जन बहुत ही आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। लाइक आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी कि उस लेवल का आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको कैसे कैसे करके। ओ शिट यार, फक, ये नहीं होना चाहिए था यार, ये नहीं होना चाहिए था, शिट, वो बहुत आगे निकल गया मुझसे यार, बातों बातों में ध्यान ही नहीं आया, वो काफी आगे है। तो क्या बात कर लेते हैं इस चीज की कि क्या रिस्पॉन्स है इस गेम का। सो गाइस मैं बता दूं, कंट्रोल्स आर फ्रीकिंग ऑसम, बहुत ही सही कंट्रोल्स हैं इस गेम के। और मैं बता दूं, VR, मतलब VR फर्स्ट चैनल, हमारा फर्स्ट चैनल है मैक्स केओस जो इसका रिव्यू दे रहा है इन हिंदी। लाइक मैंने रिसर्च कर रहा था थोड़ा सा कि कितने लोग इसकी वीडियोज़ बना चुके हैं, तो मैंने देखा तो किसी ने भी इसका हिंदी में रिव्यू नहीं डाला। तो सो वी आर द फर्स्ट पर्सन जो इसका हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं गाइस, सेलिब्रेशन भाई, फर्स्ट आते हुए, फर्स्ट। सो देखिए, ये मत कहना कि भाई आपका नाम तो मैक्स क्यों, आपने राजपुताना क्यों लिख रखा है। लाइक यू नो, अब राजपुताना क्यों लिखते हैं बंदे, तो आपको पता ही होगा। सो मैं बता दूं इस गेम की और जानकारी दे दूं आप लोगों को कि ये गेम बहुत ही ज़्यादा मस्त है। इस गेम का एक फुल एडिशन आता है जो कि मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, थोड़ी सी आपको मशक्कत लगेगी उसे ढूंढने में, बट वो आपको अवेलेबल हो जाएगा कहीं ना कहीं, जैसे ना पैसे करते तो हो ही जाएगा। और गेम सच में बहुत ऑसम है, आप डाउनलोड करोगे आपको सच में मज़ा आएगा। लाइक इसके डेमो एडिशन में ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें दिखाने के लिए, बट या दिस गेम इज़ फ्रीकिंग ऑसम। और फुल वर्जन जो कि इसका फुल वर्जन आता है जिसमें कि हर चीज़ होती है, सो That was तो really awesome। वो भी मेरे पास रखा हुआ है और अभी तक मैंने उसे ऑन नहीं करा है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसको भी आपके सामने ही मैं खोलूंगा। अगर इस वीडियो पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, काफ़ी अच्छा नहीं, अगर चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ है अभी, बट अगर उस हिसाब से भी अगर मुझे लगा कि इसमें काफ़ी सही रिस्पॉन्स आया वीडियो पर, तो मैं ज़रूर उसका एक रिव्यू और बनाऊँगा जिसमें फुल वर्जन होगा। और मैं सच बता रहा हूँ गाइस, मैंने बहुत सारी गन वाली गेम्स डाल दी हैं फिलहाल के लिए, बहुत सारी तो नहीं पर कुछ गन गेम्स डाल दिए जिनका अब और भी ज़्यादा हमें रिव्यू करना है। तो अब बात करते हैं गाड़ी वाली गेमों की, बिकॉज कार लवर और बाइक लवर भी बहुत है हमारे साथ में यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई फर्स्ट आते हुए $359.39 पे मेरी रेस कंप्लीट हुई। कांग्रेचुलेशंस, यू वॉन द रेस, आई नो वे आई एम द चैंपियन। बाकी जो है स्टिल रेसिंग है और मैं जो है जीत चुका हूँ, तो सोच सकते तुम्हारा भाई कितना। सो गो टू द फ्री राइड, यहाँ पर आप कोई मजेदार बात बताऊँ इस गेम की, आप सिर्फ रेस ही नहीं कर सकते, आपका झामन है ना वहाँ हो, झामन का मतलब। और ये देखो गाइस, रात हो गई है, वो देख रहे हो चंदा मामा तक निकल चुके हैं और यहाँ पर हम निकल चुके हैं अब अपनी राइड के लिए, फ्री राइड के लिए। तो मैं कैमरा एंगल थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आप, ओ शिट मेरे को रोड़ी नहीं, क्या बात है, क्या बात है, ये हुई ना बेस्टी, बेस्टी। सो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रैक और दे रखा है जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस। तो मैं बता दूं, फुल वर्जन में आपको सबसे पहले ये वाला मैप नहीं मिलता, आपको एक दूसरा ही मैप मिलेगा, वो काफ़ी सही है जो कि मैं रिव्यूज़ के हिसाब से बता दूँ। तो यहाँ पर क्यों नहीं चल रही बाइक रात में, क्या मैं नशे में हूँ, नो। तो यहाँ पर मैं आपको गेम के बारे में और बता देता हूँ, लाइक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो कि हमारा मेन मोटिव है।
मैं बता दूं कि गेम बहुत ही सही है एट लो लेवल फॉर पीसी, यानी कि 2GB रैम के लिए इससे बढ़िया रेसिंग गेम तो शायद ही मेरे को कोई दिखी होगी। और जहां तक बात करूं इसके ग्राफिक्स की तो यार इट्स ऑसम, लाइक कहां मिलेंगे ऐसे ग्राफिक्स, इससे ज़्यादा बढ़िया ग्राफिक्स क्या चाहते हो, मतलब कि क्या बंदा सब कुछ लूट दे और फिर ला के दे, मतलब लाइक ग्राफिक्स, यार मैं सच बोल रहा हूँ मेरे पास ना शब्द नहीं इस गेम के लिए बयां करने के लिए कि इसके ग्राफिक्स इतने इन्हेंस्ड हैं, इतने प्योर ग्राफिक्स हैं। आप नीचे डर्ट देख सकते हो साफ साफ उड़ रही है, यहाँ पर पूरा का पूरा मसला हो रखा है, मतलब बिल्कुल मज़ेदार चीज़। यहाँ पर आपको मड मिल जाएगी, रात का सीन मिल जाएगा, दिन का सीन मिल जाएगा, पत्थर मिल जाएंगे बीच में। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि गेम को आप कब फील करते हो कि या इट्स अ गुड गेम, लाइक जब आप उसके एनवायरनमेंट को देखते हो, लाइक गेम जिस एनवायरनमेंट में होती है उसमें पेड़ पौधे, उसके जंगल, उसके पहाड़, उसकी मिट्टी किस तरीके, ये जो मेजर चीज़ें होती है ना यही गेम को बताती हैं कि गेम किस तरीके की है। और हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ, बट आज इस गेम को देख के ना कसम से बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज मैं तो यार रेसिंग गेम्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। बात करें इन गन टाइप गेम्स की तो इसका शौक भी मुझे किसी ने चढ़ाया था, लाइक वो मैं आगे आने वाली कुछ वीडियोस में कंटिन्यू करूँगा, बट रेसिंग गेम्स का शौक तो मुझे शुरू से है। और या इट्स वेरी गुड गेम। और अगर मैं इसका लेवल रखूँ, अगर आप लोग सोचेंगे कि भाई किसी गेम से इसको कंपेयर कर, सो या एक गेम है जिसको मैं इससे कंपेयर करूँगा कि अगर आप लोग PS खेलते हो तो PS में इट्स अ मोटरस्टॉर्म आर्टिक एज नाम की गेम आती है, यहाँ पे ट्रैफिक लेवल भी आता है बीच बीच में और काफ़ी कूल ट्रक्स जाते हैं साइड बाय साइड। तो मोटरस्टॉर्म आर्टिक एज जो कि आप देख सकते हो अपने नेट पे, और हो सकता है आपको स्क्रीन पर फोटो भी आ रही होगी उसकी। मोटरस्टॉर्म आर्टिक एज एक बहुत ही मस्त ऑफ रोडिंग गेम है, बट आप उसमें फ्री राइड नहीं कर सकते, यू आर जस्ट एबल टू ड्राइव द कार और द बाइक। ओ शिट, मैं क्या बचाऊँ उस ट्रक से जो मैं बचाऊँ। तो मैं कह रहा था कि यू आर नॉट एबल टू राइड फ्री इन दैट गेम, जो कि वो गेम है, बट सच बताऊँ वो गेम लिटरली में है तो बहुत ऑसम। इट्स मोटरस्टॉर्म आर्टिक एज और वो सिर्फ आई थिंक PS के लिए अवेलेबल है। मैंने उसे PC के लिए देखा था, मतलब सर्च कर रहा था, बट नहीं, वो सिर्फ PS के लिए अवेलेबल है। हो सकता हो वो शायद अब PC के लिए आ गई हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे उसे खेले हुए, और मुझे मेरे एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड ने वो खिलाई थी फर्स्ट टाइम। सो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने किसी PS को अपने हाथ में लिया था। ओ शिट, यहाँ पर ओ भाई ऐसा मत करो यार, झगड़ा वगड़ा मत करो, रोड के बीच में ठुक जाते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। सो इस गेम को मैं उस गेम से कंपेयर करूँगा, बट या दिस गेम इज़ फीलिंग नाइस। उस गेम से इसको कंपेयर बहुत आसानी से किया जाता है, जबकि आप सोच सकते हो कि वो एक PS की गेम है और ये एक PC की गेम है। सो दोनों में बहुत फ़र्क है, एक PS की गेम काफ़ी हाई ग्राफिक होती है और एक PC की ये सिर्फ 2GB रैम की गेम, क्या चाहते हो। तो यहाँ पर आई थिंक सुबह होने लगी है और आप देख सकते हो एकदम एटमोसफेयर चेंज हो रहा है, पर शायद कहीं से वो देखो गाइस। तो दिस मच ऑफ ग्राफिक का लेवल इस गेम में इतना एनहेंस्ड है, और पता नहीं क्यों मेरी बाइक से काला धुआं निकल रहा है, लाइक GTA वाले अगर जो बंदे होंगे उन्हें पता होगा काले धुएं का क्या मतलब होता है, बट इस गेम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैंने पता करा है कि। तो आप यहां से ग्राफिक लेवल का अंदाजा बहुत ही आराम से लगा सकते हो, लाइक आप देख सकते हो कितने ऑसम किस्म के ग्राफिक्स हैं, वो देख रहे हो गाइस, सूरज उग रहा है, कितना प्यारा सीन लग रहा है, ये सीन किसी गेम में नहीं मिलता यार। दिस गेम इज फ्रीकिंग ऑसम। यहाँ पे तुम्हारा बाइक की स्टॉपी, गॉड फक मजा ही आता है। और ये विली बॉय मैक्स केओस, मजा आ गया। सो अब मेन चीज पर आ जाते हैं, गेम कहां मार खाती है और कहां बचती है। सो गेम आप लोगों ने पूरी देख ली,
जज करने वाला मैं नहीं होता हूँ, आप होते हो। मैं जस्ट आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, आपको सिर्फ बता सकता हूँ, कुछ बातें झलका सकता हूँ, बट जो आपको पसंद है आपका टेस्ट मैं नहीं पता कर सकता। बट मैं आपको सिर्फ उसके कुछ कॉज एंड कॉन्स बता सकता हूँ कि वो किस तरीके की है, किस तरीके की नहीं है। और जहाँ तक बात रही रिक्वायरमेंट्स की, तो दैट विल बी इन डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप रिक्वायरमेंट्स देखो, पता करो। जो मैं बताता हूँ खैर वही रिक्वायरमेंट्स होती है। सो इसलिए मैं अभी वीडियो को जल्दी ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये गेम में ज़्यादा कुछ नहीं है। इट्स फॉर रेस एंड फॉर फ्री राइड, ये दो ही चीज़ें हैं। और मैं इस गेम को दोबारा कंटिन्यू करूँगा इन फुल गेम प्ले। ये तो जस्ट मैंने एक डेमो खेला था, ये एक डेमो पार्ट है, आपको काफ़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। एंड इट्स अबाउट, इसकी स्टोरेज है शायद 1 GB की गेम है ये डेमो की। और अगर आप इसे फुल करते हो, लाइक अगर आप इसका फुल वर्जन डाउनलोड करते हो, तो आपको 2 GB का पड़ता है। तो सोच लो यार, कितनी कितनी छोटी सी गेम में कितना सही मज़ा है। एंड स्टे सेफ, घर में रहें, बाहर ना निकले, गेम्स खेलो बट बाहर ना निकलो, बिकॉज इट्स बहुत ही हेल हो रखा है बाहर, कोरोना चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा मसले भी हो रहे हैं इस बात को लेकर। सो उस बात को ना ध्यान में देते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि इस गेम के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस। और गेम के एडवांटेजेस आपने देख लिए, ग्राफिक लेवल बहुत सही है। इस छोटी सी कंपैटिबल चीज़ में आपको इतने इन्हेंस्ड ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे, जो कि आपको मैंने भी दिखाए। लाइक इन्वायरमेंट कितना सही है इस गेम का, आप अभी भी देख सकते हो। और जहाँ तक बात रही इसके डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेजेस ये है कि आसानी से नहीं अवेलेबल होता इसका फुल वर्जन। एंड देन बात ये है कि आपको बार बार ना अपने कंट्रोल्स को, आपके कंट्रोल्स कभी सेव नहीं होते, आपको बार बार अपने कंट्रोल्स को सेट करना पड़ता है आपके अपने हिसाब से। ये थोड़ी एक डिसएडवांटेज है। कंट्रोल्स इस गेम के बहुत ही औसम है। लाइक आप कंट्रोल्स तो इसके सच बता रहा हूँ काफ़ी औसम कंट्रोल्स है। और जहाँ तक बात करूँ मैं इस गेम के रिस्पॉन्स की, तो क्या क्विक रिस्पॉन्स गेम है, थोड़ी सी टाइम लेती है लोडिंग होने में एट फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेगी लोडिंग होने में, बट उसके बाद जो गेम स्मूथ होती है, लाइक बहुत सही गेम है। सो मैंने आपको जैसा बता दिया है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स मैं आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड बात रही गेम की, तो गेम इज़ लाइक क्वाइट अ बिट वेरी कूल। और क्या ये बीट कर सकती है मोटर स्टॉर्म आर्कटिक एज को? सो यहीं पर वीडियो को क्लोज करता हूँ, और एक साथ बोलेंगे, मौज लेंगे, रोज लेंगे, और नहीं मिलेगा तो मैक्स के ऑफ से पूछ लेंगे। सो अंटिल देन, बाय बाय।